नागरिकता संशोधन कानून करने का मतलब कि आपने पूरे संविधान को दो हिस्से में बांट दिया, संविधान खत्म है आपका। जैसे आपको पता होगा CAA NRC ये संविधान की मूल भावना और रिलीजियस माइनॉरिटी के फंडामेंटल राइट पर सबसे बड़ा हमला है। पहली बार देश में पहली बार सचमुच में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा महसूस हो रहा है, और ये खतरे की एक जो बड़ी वजह ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बना, लेकिन शायद अब हम लोगों को ये लगता है कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को घर घर तक नहीं पहुंचाया। इसीलिए आपने देखा होगा कि कल महाराष्ट्र की सरकार ने ये फैसला किया कि प्रीएम्बल को हम स्कूल में पढ़ाएंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ में ये बात हुई, और छत्तीसगढ़ में मुझे याद है कि मुझे एक पब्लिक मीटिंग में बुलाया गया था और मैंने ये प्रस्ताव रखा सरकार के सामने कि आपको प्रीएम्बल अपने स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, और उस सरकार को उसको शायद वो प्रस्ताव अच्छा लगा होगा तो उसने तुरंत अनाउंस किया, और फिर उसके बाद एक दबाव पूरे देश में बन रहा है कि प्रीएम्बल तो कम से कम आपको पढ़ाना है हर स्कूल में। तो एक बड़ी बात हम लोगों को ही लगती है देश में, और अच्छी बात है कि जो खतरा एक महसूस हो रहा है संविधान पर, उस खतरे के वजह से बहुत सारे लोग संविधान की किताब, संविधान दिवस मनाना, संविधान की किताब पढ़ना, संविधान की धाराओं को जानना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम हो गया है। पिछले साल आप लोग को मालूम होगा कि संविधान दिवस जो मनाया गया 18 और 19 में, खासतौर से 18 में, देश में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में, देश का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जिसमें संविधान दिवस नहीं मनाया गया, ये बड़ी बात थी। और संविधान दिवस मनाने के लिए जो प्रयास किया गया वो आपके साथ बैठे हुए हैं अशोक भारती जी ने लगातार इसके लिए मेमोरेंडम दिया, 10 साल तक ये कंपेन चलाया, तब जाकर शायद वो सरकार के कानों में जू रहेंगी कि नहीं, संविधान दिवस भी कोई चीज़ हो सकती है भाई, मनानी चाहिए। तो आप ये मानिए कि जो भी अचीवमेंट है ये आप जैसे लोगों के कारण ही अचीवमेंट मिला है, जो भी। बल्कि मैं बताऊं कि महाराष्ट्र में मैं अभी कांसीराम जी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि कैसे जब वो महाराष्ट्र में गए तो दो जो उत्सव थे, दो उत्सव जो समाज के वंचित वर्गों को संबोधित करते थे उसको बदल के और उन लोगों ने दिवाली की छुट्टी कर दी, इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। राजस्थान के कर्मचारी को प्रोटेस्ट करने के कारण बर्खास्त किया गया, लेकिन कांसीराम जी इन लोगों ने मिल के लड़ाई लड़ी, फिर कोर्ट से वो जीत हासिल हुई, फिर वो जो दो दिन पहले थे प्रीवियस वो फिर बहाल हुए, बाबा साहब की जयंती। तो मैं ही आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप जब थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि ये सब कुछ भी, जो कुछ भी हासिल हुआ है वो केवल और केवल आप और हम जैसे लोगों के कारण हो पाया है। तो अब हम लोगों को ये जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग इस संविधान को लेकर जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो सकता है पूरे देश में फैलाएं। और हम लोगों ने, कुछ साथियों ने ये फैसला किया कि देश के जो जाने माने बुद्धिजीवी हैं वो आने वाले 26 तारीख को वो एक कार्यक्रम अनाउंस करेंगे, और वो 26 अलीपुर रोड से, यानी ट्रिपल 26 का हमारा वो है, 26 अलीपुर रोड से 26 जनवरी को 26 नवंबर तक की संविधान चेतना यात्रा के बारे में। तो ये है थोड़ा सा ब्रीफ। अब डिटेल्स में आपको अशोक जी ये सारा बताएंगे कि ये जो प्लान है पूरा संविधान चेतना यात्रा, वो संविधान चेतना यात्रा क्या है और कहाँ हम लोग अभी यूपी में हम लोग जा रहे हैं, यूपी में किस तरह से क्या हम लोग करेंगे, क्या उसका एम है, क्या उसके स्लोगन होंगे, ये सारी बातें आपको अभी अशोक जी ब्रीफ करेंगे। और मुझे लगता है कि आप लोग संविधान चेतना यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में आप लोगों की मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा। अशोक भारती साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। और अनिल जी ने आपको ब्रीफ में बताया कि जो है क्या हम लोगों के दिमाग में चल रहा है जो आज ये बात करना चाहते हैं। मैं आज की बात शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ कि आज
जिस व्यक्ति ने अपना घर छोड़कर, अपना देश छोड़कर और उस देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, आज उस व्यक्ति की जयंती है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। बहुत सारे दलित लोग सोचते हैं या बाकी लोग सोचते हैं कि दलितों का सुभाष चंद्र बोस से क्या लेना देना है। तो एक तो हम ये बताना चाहते हैं कि देश की आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने जो योगदान दिया वो एकदम अप्रतिम योगदान था, और बहुत सारे लोग, ख़ास तौर से बहुत सारे लोग केवल उनकी टोपी पहनकर देशभक्ति साबित करना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कोई व्यक्ति किसी की भी टोपी पहन ले वो उस व्यक्ति का फॉलोअर और उस व्यक्ति के दर्शन के प्रति कमिटेड नहीं हो जाता है, एक बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता था वो ये कहना चाहता था कि हम लोगों ने ये तय किया है कि वैसे तो हमने ये शुरुआत की थी कि हम 1 जनवरी से लोगों के बीच में जाएं और मालूम करें संविधान को लेकर उनकी क्या स्थिति है। तो सब लोगों ने हमको ये सजेस्ट किया, सब लोगों ने हमको ये सजेस्ट किया कि जो है जो संविधान की जो बात है, हम लोगों ने ये तय, सब लोगों ने कहा कि संविधान के बारे में लोग संविधान को जानते हैं, संविधान में क्या है उसको नहीं जानते। तो जब लोग संविधान के बारे में नहीं जानते हैं तो संविधान के बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। तो हम लोगों ने यह तय किया है कि 26 जनवरी जिस दिन संविधान देश में लागू हुआ उस दिन से हम संविधान को बनाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण स्थल 26 अलीपुर रोड से हम संविधान चेतना यात्रा शुरू करेंगे जो 26 नवंबर 2020 को गाजियाबाद में बड़ी रैली के साथ समाप्त होगी। पहला पड़ाव ये हमारी संविधान चेतना यात्रा का पहला पड़ाव होगा। अगला पड़ाव सन 2021 में रामलीला मैदान में होगा, जिसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि देश भर से संविधान के लिए लड़ने वाले 10 लाख लोग दिल्ली आएंगे। ये हम सन 2021 में करेंगे, ये मैं कहना चाहता था। चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि संविधान हमारे देश के संविधान पर हमला है, जो देश के दलित हैं वो सन 2014-15 में ही इस बात को पहचान गए थे कि संविधान पर हमला होने वाला है, हमला हो रहा है। वो लगातार इस बात की बात उठा रहे थे। आप लोगों को पता होगा दलितों में बड़े पैमाने पर संविधान बांटने की प्रक्रिया चल रही थी हम लोगों की, जगह जगह पे हम लोग संविधान बांट रहे थे। संविधान सरकार का संविधान महंगा मिलता है, उसको सस्ते संस्करण भी छाप रहे थे, और घर घर में, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा कि हम घर घर में गीता बांटेंगे, कुछ लोगों ने कहा हम घर घर में रामायण बांटेंगे, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि हम मनुस्मृति बांटेंगे। और ये जो मनुस्मृति बांटने वाले, गीता बांटने वाले, रामायण बांटने वालों ने, आपको याद होगा कि 9 अगस्त के दिन 2018 में संविधान को जंतर मंतर पे जलाया था। हमें तभी हम लोगों ने तय किया था कि हम जोश में आके कोई फैसला नहीं करेंगे। तो हमने काफ़ी लंबे समय सोचा, तैयारी की, और अब हमने ये तय किया है कि हम देश के कोने कोने में संविधान को पहुंचाएंगे। अब सवाल ये है कि आज जैसा अनिल चमड़िया जी ने कहा, बहुत सारे लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, सबको संविधान की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। लेकिन भारत के नागरिकों को यह समझना है कि ये संविधान की प्रस्तावना एक रसम अदायगी ना रह जाए। हमें इस बात का डर है कि संविधान की प्रस्तावना पढ़ने वाले लोग केवल संविधान के प्रति रस्म अदायगी करना चाहते हैं। आज केवल संविधान पर हमला नहीं है, उसके मूल्यों पर हमला नहीं है, बल्कि संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार हैं उन पर भी हमला है। आज आप अपनी बात की मर्जी की बात नहीं कह सकते। आज आप अगर सरकार लोगों के अधिकारों पर हनन कर रही है तो उसके लिए आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। संविधान को मानने वाली सरकार संविधान के मूल्यों पर लगातार क्षरण कर रही है,
जैसे आपको पता होगा CAA NRC ये संविधान की मूल भावना और रिलीजियस माइनॉरिटी के फंडामेंटल राइट पर सबसे बड़ा हमला है। हमें यह भी समझना है कि सरकार दलितों की आड़ लेना चाहती है। सरकार के बहुत सारे मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि हम तो पाकिस्तान से दलितों को लाना चाहते हैं, ये तो दलितों के लिए बनाया हमने कानून। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के दलितों को तो आप लात मार रहे हैं, भारत के दलितों को आप जिंदा जला रहे हैं, भारत के दलितों पे पिछले जो NRCB की जो रिपोर्ट छपी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, उसमें 42,000 से ज़्यादा अत्याचार के मामले सरकार में दर्ज हुए हैं। और हमारा मानना यह है कि 10 अत्याचारों में से केवल एक अत्याचार रिकॉर्ड होता है। हर रोज सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 117 से ज़्यादा अत्याचार दलितों पर हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारत के दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी आपको चिंता नहीं है, और जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको आप जबरदस्ती दलित बना के हमारे माथे पे थोपना, देश में थोपना चाहते हैं। हमें अगर किसी भी व्यक्ति का देश के किसी, दुनिया के किसी भी कोने में अगर उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, आप दीजिए उसको नागरिकता, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। आप हिंदू को दीजिए, आप मुसलमान को दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप हिंदुओं को देना चाहते हैं तो भारत की माइनॉरिटी जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसके लोगों को क्यों नहीं देना चाहते। तो ये बात हमको समझना है कि सरकार संविधान को नष्ट करते हुए लोगों का ध्यान संविधान को नष्ट करने से हटाना चाहती है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि आने वाले 2 साल लगातार हम संविधान की चेतना के लिए जगह जगह जाएंगे, गांव में, देहात में, शहरों में हम मीटिंग भी करेंगे, हम सेमिनार भी करेंगे, हम वर्कशॉप भी करेंगे, हम रैली भी करेंगे, हम जो है संबंधित सामग्री भी बांटेंगे, हम सब कुछ करेंगे। और हम देश के हर एक उस व्यक्ति से निवेदन करना चाहते हैं कि यदि देश को बचाना है तो संविधान को बचाना नहीं, संविधान को लागू कराना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाओ। संविधान क्यों बचाना है? संविधान को इसलिए बचाना, संविधान को बचाना ही नहीं है केवल, संविधान को लागू कराना है। जिम्मेदारी तो ये भारत सरकार की थी, जिम्मेदारी ये तो राज्य सरकारों की थी कि देश के एक एक नागरिक को ये पता हो उसके मौलिक अधिकार क्या है, उसके कानूनी हक हकूक क्या है, और संविधान के तहत वो कोर्ट से, कचहरी से यदि उसके अधिकार नहीं माने जा रहे उसके लिए क्या कर सकता है। लेकिन किसी भी सरकार ने इस दिशा में प्रयास नहीं किए। अब कुछ सरकारों ने प्रयास करने शुरू किए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये भी आगाह करना चाहते हैं कि संविधान को लागू करने के लिए एक ठोस ढांचा बनना चाहिए। जैसा अनिल जी ने कहा, 26 जनवरी को देश के 100 बड़े दलित इंटेलेक्चुअल द्वारा साइन किया हुआ स्टेटमेंट हम 26 जनवरी को शाम को 6 बजे 26 अलीपुर रोड पर जारी करेंगे। ये जो इंटेलेक्चुअल हैं ये पूरे देश भर के इंटेलेक्चुअल हैं, महाराष्ट्र के होंगे, राजस्थान के होंगे, आंध्र प्रदेश के होंगे, तमिलनाडु के होंगे, यूपी के होंगे, बिहार के होंगे, झारखंड के होंगे, हरियाणा के होंगे, पंजाब के होंगे, उत्तराखंड के होंगे, देश का कोई कौन है, छत्तीसगढ़ के होंगे, आसाम के होंगे, नॉर्थ ईस्ट के और भी कई राज्यों के लोग होंगे, वेस्ट बंगाल के होंगे। हमारी कोशिश हो रही है कि जो देश के टॉप दलित इंटेलेक्चुअल हैं वो सब लोग उस बयान पर साइन करें। उस बयान पर साइन कराने की प्रक्रिया चल रही है, इसको हम उस दिन रिलीज करेंगे और उसी दिन हम संविधान चेतना यात्रा का औपचारिक शुरुआत करेंगे। इतना ही मुझको कहना था। एक बात और भी है, देखिए एक बात जो ये है, जो अभी अशोक जी कह रहे थे कि अब हमारी जिम्मेवारी है संविधान को लागू करवाना, क्योंकि सरकार ने ये ड्यूटी नहीं की, पॉलिटिकल पार्टियों ने ये ड्यूटी नहीं की। इसमें एक बात केवल और जोड़नी है
कि उस संविधान को लागू करवाना है और उस तरह से लागू करवाना है जिस तरह से हम संविधान को समझते हैं। संविधान चेतना यात्रा का ये काम है कि वो संविधान की धाराओं की अपने तरीके से अपने हितों में, जो समाज का वंचित तबका है वो अपने तरीके से अपने हित में उसका इंटरप्रिटेशन करे, उसकी व्याख्या करने की चेतना भी पैदा करे। वो ये बताए कि ये धारा जो है, ये धारा ये कहती है, तुम जो कहते हो वो नहीं कहती है। ये दृष्टिकोण भी पैदा करना इस संविधान चेतना यात्रा का प्रमुख कार्यक्रम है। केवल संविधान हमको ये, जैसे ये उन्होंने कहा ना, केवल औपचारिकता नहीं पूरी करनी है कि संविधान संविधान नहीं, संविधान की हर धारा के बारे में ये सबसे बड़ी बात कि हमको ये बताना है कि संविधान की हर धारा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर एक संविधान की धारा निकाल देंगे तो दूसरी धारा प्रभावहीन हो जाएगी। नागरिकता संशोधन कानून करने का मतलब कि आपने पूरे संविधान को दो हिस्से में बांट दिया, संविधान खत्म है आपका। इसीलिए हर धारा का महत्व है और हर धारा का महत्व सभी धाराओं के लिए महत्व है, ये बात हम लोग को खास तौर से बतानी है लोगों को। तो हम लोग जगह जगह जब जाएंगे तो जो जो लोग होंगे उनसे बात करेंगे, ट्रेनिंग कैंप लगाने की व्यवस्था अगर हो सकती हो, बातचीत करनी तो वो सब भी करेंगे हम लोग। लड़कियों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि हमारे समाज की जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस चेतना यात्रा के साथ जुड़ें, ऐसी हम लोगों की कोशिश होगी। और हमारी ये भी कोशिश होगी कि महीने में कम से कम दो बार संविधान के किसी एक मुद्दे पर हम आप लोगों के साथ बात करें, संविधान के किसी एक मुद्दे पर आप लोगों के साथ बात करें, क्योंकि आप लोगों के जरिए ही संविधान की जो चेतना है वो लोगों तक, समाज के लोगों तक भी जाएगी। हम भी जाएंगे लेकिन आपके थ्रू। तो हम कम से कम महीने में दो बार आप लोगों के साथ संविधान के किसी एक पक्ष पर हम लोग चर्चा करेंगे। दो सवाल हैं छोटे छोटे मेरे। पहला तो ये कि जो भी इसमें, जैसे आपने कहा कि दलित इंटेलेक्चुअल इसमें शामिल होंगे, तो जो इंटेलेक्चुअल शामिल होंगे क्या वो किसी पार्टी या संगठन के बैनर तले इस मुहिम को चलाएंगे या फिर एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर इसको देखेंगे? पहला। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने कहा कि ये रस्म अदायगी बनकर ना रह जाए, तो अभी जो मौजूदा सरकार, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो या महाराष्ट्र की हो,